गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आई एम गणेश सर। टुडे आई विल टीच यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। मैंने पहले ही बताया था कि इंट्रोगेटिव टू टाइप्स का होता है, एक क्या शब्द से शुरू होता है और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। जिस वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तथा उसके साथ काम होने का समय दिया जाता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। मैंने पहले ही आपको बताया था सिंस अब्लिक फॉर, सिंस का प्रयोग जो टाइम फिक्स होता है उसके लिए सिंस का यूज होता है, जैसे 5 बजे से, सोमवार से, सुबह से। फॉर का अनफिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे कई महीने से, कई दिन से, 5 घंटे से। ओके, जब क्या शब्द शुरू में आता है, क्या राकेश एक हफ्ते से बात कर रहा था। राकेश सब्जेक्ट है, इसमें हैड पहले लगी, हैड राकेश हैड राकेश बीन बात करना, टॉक टी ए एल के आई एन जी टॉकिंग, हैड राकेश बीन टॉकिंग सिंस या फॉर एक हफ्ते से। एक हफ्ता हो गया तो फॉर वन वीक, डब्ल्यू डबल ई के क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, जब क्या शब्द शुरू में तथा नहीं साथ में आता है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। हमेशा क्लियर कीजिएगा कि बीन हमेशा वर्ब के पास होता है। क्या हम 7 बजे से कपड़े नहीं धुल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, हैड वी नॉट बीन धुलने को कहते हैं वॉश, डब्ल्यू ए एस एच आई एन जी वॉशिंग, क्लॉथ सी एल ओ टी एच ई एस क्लॉथ, कितने बजे से, 7 बजे से। सिंस या फॉर निश्चित टाइम, इसलिए सिंस एस आई एन सी ई सिंस, 7 o'clock सी एल ओ सी के एस क्लॉक्स क्वेश्चन मार्क। जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब्लिक का मतलब होता है दोनों में से एक। मैं कई साल से अपनी कार कहां मरम्मत कहां कर रहा था, कहां को इंग्लिश में कहते हैं वेयर हैड आई बीन रिपेयर आर ई पी ए आई आर आई एन जी रिपेयरिंग आई के साथ अपने के लिए माई कार कई साल से, तो फॉर मेनी एम ए एन वाई मेनी ईयर्स वाई ई ए आर एस ईयर्स क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड फिनिश्ड है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में तथा नहीं साथ में आता है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। रामू सुबह से फूल क्यों नहीं तोड़ रहा था, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, क्वेश्चन वर्ड है वाई हैड रामू नॉट बीन तोड़ने कहते हैं प्लक पी एल यू सी के आई एन जी प्लकिंग फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर सुबह से फिक्स है, इसलिए सिंस एस आई एन सी ई सिंस मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपको बता देता हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा काम का समय दिया जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, पर उसमें काम होने का समय नहीं दिया जाता। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
दोनों के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि बीन जो होता है हमेशा वर्ब के पास होता है। सिंस या फॉर का यूज फिक्स टाइम होता है तो सिंस, अनफिक्स टाइम होता है तो फॉर का यूज होता है। डियर स्टूडेंट, मैंने ट्रांसलेशन भी कर दिया है और स्ट्रक्चर भी समझा दिया है आपको। अगर आपको स्ट्रक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं उसको फिर से समझा के वीडियो अपलोड कर दूंगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।